चलो सोरिंग बात मिले। नहीं, ठीक अभी आपको सोरिंग बोलने का मौका मिल जाएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, है चलो, ये ओए प्रॉमिस है मेरा। चलो बहुत अच्छी बात है। आप फटाफट से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, योर जर्नी की क्या एक्सपीरियंस था, और एक और पॉइंट जरूर शेयर करना, अगर फॉरएवर ना होता तो क्या होता। ये सोच के ना मुझे भी डर लगता है ये। चलो ओवर टू यू। तो थैंक यू वेरी मच। तो अब काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोग नहीं जानते। माय नेम इज मयंक मित्तल, और अभी लगभग मेरे को 3.5 साल हो गए हैं फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे। तो जब कृष्णा ने अपना फर्स्ट टूर किया था ना दुबई का, तब मैंने उससे बात करी थी। मैंने मार्च 2018 में AS किया था, तो उस टाइम पे जब मैं BOPP में गया था, जब हमारी ऑफलाइन BOPP होती थी। तो आप सबने देखा है, सबने BOPP देखी होगी ऑब्वियसली। BOPP के एंड में बताते हैं कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर्स देती है, एक डोमेस्टिक टूर देती है। फिर जतिन सर ने अपनी फोटोज दिखाई थी, ठीक है, मैं इतने साल से जा रहा हूँ। तरंग जी की फोटोज देखी थी, तरंग भाई की फोटोज देखी थी, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने टूर जब जस्ट क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे अभी गए नहीं थे, बट उनकी फोटोज वगैरह देखी थी। अच्छा ऐसा होता है, ये सब चीजें होती हैं। पर ना हमारी सोच नहीं थी, हमारी सोच उतनी सी थी अपने को। तो मैं तो ये सोच के गया था, हम तो 5-7-10 हजार रुपए कमाएंगे, हमें नहीं मतलब था कि ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा वहां पे भी हम पहुंच सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। मैं तो सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसे लोग मिले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसने मेरी लाइफ बना दी। जेन्युइन में लोग हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि होता है नहीं होता है, यहाँ से कुछ सही में चीजें मिलती हैं, वो लोग दिखाने की बात है, दिखाने की बात नहीं है। अभी ये ईशान ने बोला था थोड़ी देर पहले कि हाइप अप करने के लिए बोलते थे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बयां भी नहीं कर सकता कि ये चीज होती है। अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आम आदमी की पहुंच नहीं है वहां। कोई आम आदमी की, कोई एक पर्सन है जिसके पास लाख सवा लाख रुपए हैं कि ठीक है वो 3 दिन एंजॉय करेगा, ऑब्वियसली बात है वो जयपुर में तो जाके रखेगा नहीं, वो फिर जाएगा ना कृष्णा सर इन इन इनकी तरह दुबई वगैरह जाएगा, चाहे छोटा सा ज्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करेगा, बट वहां पे चले जाएगा, ठीक है, बट वो जयपुर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो वहां पे बहुत, और जो शुभम शुभम सर ने बताया था, शुभम भैया ने बताया था कि गिफ्ट्स मिले थे, मुकुल मुकुल भैया ने बताया था कि गिफ्ट्स वगैरह मिले थे हमें, ठीक है, पूरी US पोलो की ट्रॉली भर गई थी गिफ्ट्स में। तो वो सब चीजें बचपन में अच्छी लगती थी गिफ्ट्स, पर जैसे हम रूम में जाते हैं नेक्स्ट डे कुछ रखा होता, जैसे कुछ जाते नेक्स्ट डे कुछ रखा होता। तो कभी भी ना ये चीजें सोची नहीं थी, कभी इमेजिन भी नहीं करी, सच गलती से भी नहीं आई थी दिमाग में कि ऐसा ट्रीटमेंट होगा, ऐसी चीजें हमारे साथ होंगी। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मेरे को इतना दिखता था ठीक है यार ये लोग इतना कमा रहे हैं, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं उतना पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मैं कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, ठीक है। बट मैं देखता था मेरी करंट सिचुएशन ये है, इस चीज के अंदर पोटेंशियल है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, मेरे को ये जरूर दिख गया था। जब मैंने 2018 में पहली बार BOPP देखी थी ना, और मार्केटिंग प्लान देखने के बाद 3-4 दिन बाद मैंने 2CC कर ली थी वन शॉट, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को दिख गया था कि इतने कम अमाउंट में एक चीज मिल रही है, इतने कम अमाउंट में एक चीज मिल रही है, ठीक है, कहाँ मिलती है, इतने अमाउंट से आपका बिजनेस स्टार्ट कर दो जिसका इतना पोटेंशियल हो, कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो ये चीजें मेरे को यहाँ मिल गई थी, ये चीजें मेरे को यहाँ दिख गई थी, तो मैंने फटाफट से डिसीजन लिया। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हाँ उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक था, कि मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये चीज स्टार्ट करनी है, चाहे मैंने लोगों को देखा, चाहे मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, बट मुझे भरोसा था कि हाँ मैं कर लूंगा ये चीज। धीरे धीरे काम करा, अपने लेवल्स क्वालिफाई करे, 1.5 साल लगा मैनेजर बनने में, मैनेजर भी करा, सीनियर मैनेजर भी करा, कार प्लान भी करा, ठीक है, चेयरमैन बोनस भी करा, 11 में से 10 इनकम अचीव करी, ईगल मैनेजर भी करा है, ये बहुत सुंदर सी ट्रॉफी मिली है। ऐसा है ना, हम ऐसे बच्चे थे स्कूल में कि ट्रॉफी व्रॉफी दूर की बात है, सर्टिफिकेट भी कभी नहीं मिलता था क्योंकि कुछ करते ही नहीं थे, ठीक है, वही अपने मुश्किल से एवरेज स्टूडेंट थे, शांत बैठते थे ज्यादा, और खुराफाती भी थे, तो कुछ उसको कुछ फायदा नहीं होता था उस खुराफात का, तो कभी कुछ ऐसी चीजें मिली नहीं। अब ये चीजें ना मैं सारी सजा के रखता हूँ, ये मेरी 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 सारी पिंस भी रखी हुई यहाँ पे, मैं अभी दिखा रहा था कुछ लोगों को कि मेरी सारी मैनेजर की पिंस रखी हुई है, मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ यार मैंने खुद कुछ अचीव किया, ठीक है, खुद से कुछ किया। तो इस वाले क्वेश्चन का तो मैं जवाब ही नहीं दे सकता कि अगर फॉरएवर नहीं होता तो इससे मेरी नींद उड़ जाएगी रात की, अगर फॉरएवर नहीं होता तो क्या होता, तो मैं ये चीज सोचना ही नहीं चाहता कि अगर फॉरएवर नहीं होता तो क्या होता। बट ये चीज है कि हाँ जब हमारे को पता चला कि हाँ इट इज कंफर्म कि हमारा मैनेजर रिट्रीट का टूर होने वाला है, ठीक है, पहले हमें कंपनसेशन आने वाला था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, ठीक है, फिर मेरे बाद जतिन सर पहुंचे, तो जतिन सर के साथ मैं खड़ा था। तो अब 10 बजे का हमारा टाइम था एयरपोर्ट से डिपार्चर का, कि मतलब 10 बजे हमने वहां पहुंचना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ना मैंने देखा वहां पे ना हम सारे लोग ना अपनी फोन के मैसेजेस और
ईमेल आईडी खोल के बैठे थे कि अभी हमें हमारे को बोर्डिंग पास आएगा, अभी हमारे को पता लगेगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं। तो जैसे ही 10 बजे एकदम सबके मैसेज बजे कि योर फ्लाइट ऑफ 12:30 टू जयपुर इज दिस फ्रॉम दिस टर्मिनल, और ये फ्लाइट है, ये इंडिगो की फ्लाइट है, ये सब। तो वहां पे एक एक्साइटमेंट थी, ठीक है, वहां पे पहले ही मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। फिर वहां पे ना होटल की पता था कि हमें उसमें एक पीडीएफ थी कि हम लीला पैलेस में रुकने वाले हैं। तो जब हमने जयपुर में लैंड किया, मैं ना ऐसे 10 साल पहले बैठा था, तो एक तरीके से तो मैं भूल ही गया था कि क्या एक्सपीरियंस था। तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था एरोप्लेन वाला, क्योंकि हमारा क्या काम है, हम कहीं जाते ही नहीं, और मेरे फादर जॉब करते थे, तो दिल्ली वाले कहाँ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके हिमाचल तक चले जाते हैं, मसूरी, नैनीताल, जहां तक गाड़ी जाती है 2-3 दिन के लिए। तो इतना था ही नहीं कि अभी प्लेन से जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ भाई चीजें, मतलब सोचा था कि चीजें करेंगे, ऐसा था, बट कुछ हुआ नहीं था कि कब करेंगे, कब होगी, कैसे होगी। वो अगर फॉरएवर नहीं हो पाता तो मेरे को पता नहीं अभी भी हम मैं क्या ही कर रहा होता, अभी मैं क्या ही कर रहा होता, और ये चीजें कब होती है लाइफ में, होती भी कि नहीं होती ये भी नहीं पता था। आसपास के लोगों को देखते रह जाते तरक्की करते हुए। तो एक्चुअल में ये चीजें हुई, ठीक है, अब उसमें वो एक नया एक्सपीरियंस था। वहां से जब हम जब उतरे एयरपोर्ट से बाहर गए, तो वहां पे एक पर्सन बोर्ड लेके खड़ा था, मैनेजर्स डे 2021, ठीक है। तो वहां पे हमारे लिए गाड़ी तैयार थी, उसमें हम बैठे आराम से। फिर मैंने लीला पैलेस देखा, जब मैं देखा तो मैं देख ही जा रहा था, अरे ये रूम्स कितने बढ़िया है, कितना बढ़िया रिसोर्ट है, मतलब अलग ही अंदर का भी अलग ही माहौल है, कि मतलब सही में आम आदमी की पहुंच ही नहीं है। और कभी मैंने ना लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं सही में यहाँ पहुंच भी पाऊंगा, या फिर इतना अच्छा लाइफ स्टाइल कभी इंजॉय भी कर पाऊंगा। तो वहां पे वो सब चीजें हुई, हम वहां पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, राजस्थानी स्टाइल वगैरह में सब चीजें हुई, ठीक है। और उसके बाद बुलाया गया, और फिर रूम्स वगैरह में गए, वहां पे गिफ्ट्स रखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मेरे पास अभी रखा हुआ है। एक वो था फॉरएवर का, ऐसे बहुत बड़ा है, इसके अंदर अभी भी गिफ्ट्स रखे हुए हैं कुछ। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे थे, ठीक है, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी जो कंपनी ने पहले रखी थी, सनग्लासेस, अलग अलग मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स रखे थे, सनस्क्रीन, टूथ जेल, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला गिफ्ट तो यही था रूम में जाके। रूम इतना बढ़िया था, इतने बड़े बंदे को, मतलब इतना बड़ा रूम, एक एक हर पर्सन को इंडिविजुअली रूम दे रखा था, जिसकी नीड ही नहीं है, जैसे बता रहे थे सब एक ही रूम में बैठे थे। तो वो भी बहुत अच्छा एक था कि हाँ जरूरत नहीं है, पर फिर भी कंपनी दे रखा है, इतना खर्चा कर रखा है हमारे ऊपर। फिर जो फर्स्ट डे का जो डिनर था ना, जो भी बताया जा रहा था कि 20,000 की, 25,000 रुपए की प्लेट थी, वो चांदी की प्लेट थी, ठीक है, वो, और उसमें इतनी तरीके की तो उन्होंने सब्जी ला के रख दी थी, ठीक है, उसमें 15-20 तरीके की तो कटोरियां थी कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। मैंने कहा 4 दिन का खाना एक बारी में क्यों खिला रहे हैं भाई, ठीक है, हमारी तो सेहत से ही पता लग जाएगा इतना ही खाना खाते हैं। तो मतलब अलग ही लेवल था, वो पूरा प्रॉपरली हमारे लिए बुक कर रखा था, हर टेबल पे एक पर्सन का नाम लिखा हुआ था, जैसे मेरा लिखा था वेलकम मयंक मित्तल टू लीला पैलेस एंड डिनर के लिए, ऐसे ऐसे सबका नाम लिख रखा था। तो इट वॉज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, लग्जरी ऐसी होती है, पता चला, अच्छा ऐसी चीजें भी होती हैं। और उसके बाद जो वहाँ का एक्सपीरियंस था ना, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सारे टॉप के लोग आए हुए थे, ठीक है, जो टॉप अचीवर्स हैं, सबके साथ रह के सबके बारे में जाना सीखा, जो हमसे भी ऊपर है वो क्या है उसके अंदर, ऐसा वो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, सीखा कि हाँ ये चीजें अब करेंगे हम भी तो और ग्रो करेंगे। और ये कसम तो खाई ली थी कि मतलब हर टूर पे जाना है, मेहनत करनी है उसके लिए, कंसिस्टेंट रहना है, परफॉर्मेंस करते रहनी है, और अपने साथ अपनी टीम के लोगों को भी लेके जाना है। तो ये तो था ही, तो हमेशा देखा ही था कि हाँ चलो ठीक है, पिछली बार जो तरंग एक बार गोवा गया था, ठीक है, उसके बाद ये उदयपुर गए थे, तो जब देखा ही था, ठीक है, बट जो चीज खुद से एक्सपीरियंस करी ना, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल थी। कुछ चीजें तो ऐसी थी जो बयां ही नहीं कर सकते। और फॉरएवर के बारे में ना, 3.5 साल होने के बाद भी मेरे को इतनी सारी चीजें पता चली जो मेरे को नहीं पता चली थी। मार्केट में और कंपनी से या और चीजों से कंपेयर किया जाता है इस कंपनी को, ठीक है, इस कंपनी की कोई टक्कर ही नहीं है। जो भी बताया जा रहा था ना, वो उस टूर के नाम पे थाईलैंड ले जाते हैं, तो थाईलैंड जब लेके जाते हैं, जब यूएसए का वीजा नहीं लगता, तो सही में कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपैरिजन भी उसको होता है, इसमें कोई कंपटीशन हो, अब आप ऑडी और सुजुकी के कंपटीशन तो नहीं, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो सही में इतनी सारी चीजें जानी, इतना एंजॉय किया, हर रात अलग थी, कोई किस नाइट पे, कोई गाला नाइट थी, कोई डीजे नाइट थी, कोई ये नाइट थी, तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत सारी चीजें रही। और देखो काफी सारी चीजें तो लोग शेयर कर चुके हैं, बट एक चीज थी जो बहुत अच्छी थी, जब मैं घर आया ना, जब मैं वापस घर आया, ठीक है, तो जब मैं अपने जो यूएस पोल वाली जो स्टॉली जो कंपनी ने दी थी, उसमें से खुश होके गिफ्ट्स वगैरह दिखा रहा था घर में,
जैसे मम्मी को, तो उन्होंने उनकी शक्ल देख के ना मतलब बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही अलग सा प्राउड मोमेंट था जब लगा कि हाँ यार सही में कुछ किया है। ठीक है, अब घर एक एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, लोग अब घर वाले भी कुछ समझते हैं कि हाँ चल इसने अब कुछ कर लिया। ठीक है, बहुत खुश थे वो मेरे लिए, वरना वो हमेशा ये रहते थे कि यार पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, इनका होगा क्या, ये करेंगे क्या। ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने इतना इतना डेवलप किया, ठीक है, इतना ग्रो किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से है, मेरी अपलायंस की वजह से है, फॉरएवर की वजह से है, जो भी है आ जाए। जितने भी बड़े सपने देख पाता हूँ ना, जितनी भी बड़ी चीजें, पहले सपने भी नहीं देख पाते थे आपको जेनुअन बताऊं, क्योंकि पता ही नहीं था पहुंचेंगे कैसे। अगर आज हम लोग चलो किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, मान लो मर्सिडीज के बारे में सोच रहे हैं, सोच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम वहां से पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम उस चीज के बारे में सोच पा रहे हैं। वरना पहले तो ऐसा भी कुछ नहीं होता था, ठीक है कर लेंगे, ये है वो है, फिर इंसान क्या करता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब ये अब टारगेट लिए और बड़े टारगेट लिए, नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट करेंगे। जब घर में आया वो अलग ही खुशी थी चेहरे पे। ठीक है, जो रिश्तेदार थे, अब रिश्तेदार तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया होगा तब भी टांग खींच रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे रिश्तेदार भी किसी का भी मेरे स्टोरी पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, रिश्तेदार बहुत सारे देखते हैं, किसी का भी ना एक झूठे से भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आता। सब ना घर वालों को, मम्मी को फोन करता है, कोई पापा को फोन करता है, कोई दादी को फोन करता है, अच्छा वहां गया हुआ है, अच्छा कैसे गया हुआ है, अच्छा क्यों गया हुआ है, अच्छा ये अच्छा वो, मतलब पूछेंगे सब, खुश कोई नहीं होता। तो यही चीज है, आप इस इंडस्ट्री में अभी आए हो, या हो सकता है अभी अपनी 2CC कंप्लीट करने वाले हो या जस्ट करी होगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे क्रिटिसाइज करने वाले, और आपके अपने ही होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, तो वो तो होना ही है। उसके लिए आप इतना हैरान मत होना कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो होगा ही। जब आप तरक्की करोगे तब भी आपको लोग नहीं पूछेंगे, तब भी आपसे जलेंगे, और जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करोगे तब भी आपको बोलेंगे कि मत कर, ये है वो है, वो तो हमेशा करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो आपके लिए सही में अच्छा चाहेंगे। तो वो जो अच्छे, वो जो लोग थे, जैसे मेरे अपलाइंस हो गए, मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स हो गए, वो मैंने उनकी आंखों में देख लिया कि सही में अगर मैंने ये चीज अचीव करी है, तो वो मेरे से ज्यादा वो खुश है, मेरे से ज्यादा वो एक्साइटेड है कि हाँ इसकी मेहनत अब रंग लाई। तो एक मतलब यही चीज बोलूंगा मैं कि आप अभी कोई भी सिचुएशन पे हो, लगे रहो, करते रहो, ऑलवेज बी ना विजनरी, विजन होना चाहिए। ये जो उन्होंने बताई थी ना आकाश सर ने, एक चीज बोली थी कि प्लेन जाना चाहिए उसमें चक लगा होना चाहिए CB का, वो विजनरी है इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। वो इमिडिएटली तो चीज नहीं होने वाली कि अभी हो जाएगी या 2 महीने में हो जाएगी या इसी साल हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, वो विजनरी है। हम मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, अभी ये मिल जाए, अभी ये चीज हो जाए। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कोई भी चीज को। तो इसलिए जब हम भी थे ना, हम भी नहीं सोचते थे कभी टूर पे जाएंगे या ऐसी चीजें करेंगे, बट आप जब तक सोचोगे नहीं ना, जब तक कभी कर नहीं पाओगे। और आज हम जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो किसी तरीके का ऐसा नहीं कर रहा कि शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे खर्चे, इतने का डिनर था, इतने का रूम था, नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है, किस मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, ठीक है, बस एक सोच थी, एक डेडिकेशन थी, कमिटमेंट थी कि कुछ करना है जिंदगी में, घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, यही टाइम है, यही लाइफ है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, और मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो जितने लोग इस मीटिंग में है ना, जितने लोग इस सेशन देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, उन्हें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास चांस है। आप हर साल बाहर जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हो, वो लाइफ आप जी सकते हो जो आपने कभी सोची थी। और उन सब लोगों को जो अभी आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो आप लोगों को बोलते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप उन्हें प्रूफ करना है। मैंने प्रूफ करके दिखाया है। मेरे को भी लोग बोलते थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं कॉलेज में जाता था, मेरे रिलेटिव थे, मेरे को बोलते थे, बट ये मेरा डिसीजन था उस टाइम पे कि मैं उनकी सुनूं, या जो मैंने दिखता है, जो मेरे को दिखता है कि जो इस चीज का पोटेंशियल है, मैं वो चीज करूँ, वो मेरे ऊपर था। तो आप सब लोगों को भी मैं यही बोल रहा हूँ कि यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको ये टीम का पार्ट बने हो आप, ठीक है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का पार्ट बने हो, इतने अच्छे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। जिंदगी में अच्छे लोग भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपके लिए सोचते हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको ये बिजनेस मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको फॉरएवर बिजनेस मिला है। तो इससे बढ़िया मार्केटिंग प्लान, इससे बढ़िया बिजनेस और हो ही नहीं सकता, और हो ही नहीं सकता। यहाँ से आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, सिर्फ हमारे ऊपर है, सिर्फ हमारे ऊपर है। पहले जब कृष्णा 1 लाख रुपए कमाता था ना, तो मेरे को 1 लाख रुपए हवा लिखता था, वो भाई क्या है क्या है, आज 1 लाख रुपए कपड़े खरीद लेता है, पता ही नहीं लगता। तो ये चीज है ना कि एक क्या है, ये ऑब्वियसली बात है, बैरियर ही तो है माइंड का। कमाने को तो आदमी कितना भी कमा लेता है, आज ये 10 लाख पे है,
हम 10 लाख क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि पहुंच गए हैं, सिंपल सी चीज है। आज आप अपने अपलाइन को देख रहे हो, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा, कोई 2 लाख कमा रहा होगा। लोग कमा रहे हैं इसलिए तो आप सोच पा रहे हो। आपके आसपास के लोग तो नहीं ग्रो कर रहे ना इतने, आपके एज ग्रुप के लोग कितना ग्रो कर रहे हैं? हमारी एज के, हम 21-22 साल के हैं, कितने कितने लोग हैं जो ग्रो कर गए? नहीं कर रहे। बट अगर हम इस एज में ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में पावर है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर डेली एक्टिविटीज, और कोई भी इसमें वो नहीं है। मेरे को आज भी एक लाइन याद है जो रोहित सर ने बोली थी, हमारी जो CLT मीटिंग हुई थी शुरुआत में, साल के शुरुआत में, वो ये चीज बोली थी उन्होंने कि कोई भी बड़ा सीक्रेट नहीं होता है। आपको जो छोटे छोटी डेली हैबिट्स रोज करनी है लगातार, और कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है इतना कामयाब बनने का। तो मेरे माइंड में आज तक मेरे को याद है, और मैं लोगों को भी वही बताता हूँ कि कुछ ऐसा अलग नहीं होता, बस अपने डेली की हैबिट्स, डेली हैबिट्स जो होती है आपको, जो डेली आपका रूटीन है, वो आपने लगातार बस फॉलो करते रहना है, कंसिस्टेंट होते जाओ, लगे रहो। हमारे सब में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो किसी की कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, या हमें हमारे अंदर कोई ऐसी बात हो, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। हमने अपने ऊपर काम किया, हमने अपने आपको डेवलप किया है, और कहाँ डेवलप किया है? सब यहीं से तो डेवलप किया है, कोई और चीज थोड़ी थी। तो इतने कितना कुछ मिल गया, ठीक है, कितना कुछ मिल गया, कितने AS किया था, उसके बाद कितना ग्रो कर लिया, कितना ही फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया अपने आपको, कितना ही पर्सनली डेवलप कर लिया, ठीक है। लोग आज पूछते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी तो कितना कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चीजें पता लग रही हैं। वी आर ग्रोइंग एवरी डे। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, सबको इसी के लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। और जिन भी लोग मेरे साथ हैं, जैसे कृष्णा ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया कि जो भी थी, अगर मेरे को अभी भी कुछ करना होता है, पूछना होता है, तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करता है। बहुत सिंपल है। तो मैं तो हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। मैं तो अपने फादर को भी बोलता हूँ, या कोई मिलता है, कि किस्मत होती है कि अच्छे लोग मिल जाए और अच्छी कंपनी मिल जाए और ये चीज मिल जाए, ऑब्वियसली बात है। तो मैं रोज थैंकफुल होता हूँ भगवान का कि हाँ, मेरे को इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे लोग दिए, ठीक है, इतनी सपोर्टिव फैमिली दी, जिनकी सबकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचाऊँ। और जो अभी आगे भी मेरे को और प्राउड फील कराना है, अपनी अपलाइन को भी, अपने पेरेंट्स को भी। सो थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, और आगे भी सारे लेवल अचीव करते रहेंगे, और अगले साल तो फिर साथ जाएंगे, इस साल नहीं तो कोई बात नहीं। सॉरी गाइस, थोड़े भावुक हो गए थे हमारे रोहित रोड़ा जी, बट थैंक यू वेरी मच मैन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट वाज समथिंग वंडरफुल। बहुत सारे लोगों का, मैनेजर्स का ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि मैंग जी हिला डाला, बहुत अच्छा लोगों का लगा लोगों को आपका एक्सपीरियंस। और सबसे बढ़िया बात मेरे को आपकी ये लगती है कि हर कोई ना, हर छोटी छोटी चीज का ग्रेटफुल नहीं हो पाता, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अगर मैं आपको एक हैबिट, एक एक्चुअल में क्वालिटी बताऊंगा मैंग की, अगर मैंग को कोई अच्छे से पानी भी पिला देगा ना, तो मैंग के दिमाग में मूवी इमेज बन जाएगी कि यार ये कितने बढ़िया तरीके से पानी पिलाया इन्होंने। जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, मैंग के दिमाग में एक्चुअल में हुआ कि कहाँ पे बैठ के खाना खिलाया, कहाँ पे किस कंपनी में, कंपनी के ट्रिप पे कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिला, एवरीथिंग ही रिमेंबर, बिकॉज ही इज ग्रेटफुल फॉर एवरी जेस्चर। उससे मतलब जो ठीक है, 25,000 की थाली खिलाई यार, अपने को कोई वो नहीं है, हम खाना तो वैसे भी खा लेते, कोई दिक्कत। जो प्यार था ना, मैं आपको सच बताऊं, जब हम लास्ट डे बैठे थे ना, आकाश सर, अरे हम है कौन, हमारे ऐसे कितने आते हैं, वो बोल रहा है खा लिया आपने, अच्छा मैं बोल कर आता हूँ। मतलब वो किस लेवल के बंदे हैं, ठीक है, वो जो कंपनी का प्यार है ना, उन्होंने सच में बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ देखो, मैंने अभी कुछ मोटिवेट नहीं करा, मैंने अपने दिल से चीजें बोली है, मैंने ना कोई चीखा ना मोटिवेट करा, पर जो उन्होंने क्या करा, जैसे स्मिता मैम थी, जब वो गिफ्ट दे रही थी, थैंक यू फॉर कमिंग, ये सब चीजें, भाई बुलाया है आएंगे, जाएंगे कैसे नहीं, ऐसी तो 12 उन्होंने बोला ऐसे, थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है, अगले साल फिर आना है, अपने साथ टीम के लोगों को लेकर आना है। तो उन्होंने इतना, इनका जो बिहेवियर था ना, वो इतना बढ़िया था। और जो कंपनी के बारे में हमें पता लगा ना, ऐसे जड़ होती है कंपनी की, जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर थे, वो भी बहुत वैल्यूज पे काम करते थे, वो भी बहुत हम्बल थे, उन्होंने वो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत हम्बल है। और जो अभी मानव ने बताया ना, उन्होंने कृष्णा की यही चीज बोली, अगर आप इस लेवल पे उससे कुछ सीखना चाहते हो ना, वो होती है हम्बलनेस। आदमी बड़ा बनता है तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, बट ठीक है, डाउन टू अर्थ रहना है। तो मेरे को वो चीजें बहुत अच्छी लगी कि हम सही में जब ही तो इतना ग्रेटफुल कि हाँ भाई, किस के साथ जुड़े हुए हैं, किस टीम के पार्ट हैं, और वही वैल्यूज हमारे अंदर भी आएगी कि हाँ यार, हमारी अपलाइन ये चीज करके सक्सेसफुल बनी है, ठीक है, तो हम भी यही चीज करेंगे, तो हम भी वहाँ आज इनको कल पहुंच जाएंगे। और इतने अच्छे कंपनी का हम जो पार्ट थे, उन्होंने इतना प्यार दिया, सही में उनकी हर छोटी चीज पे
कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो, तो हर चीज उन किसी मतलब कोई कमी निकाल ही नहीं सकते हम कि क्या कमी छोड़ी है। और ये भी बोला था अगले साल आप अचीव करो, जहां बोलोगे वहां लेके जाएंगे। अब आप लोग डिसाइड करके बता देना, गोवा गोवा कह रहे थे लोग तो। चलो देखते हैं अगले साल कहाँ जाना है, बढ़िया सी जगह ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो। बाकी थैंक यू वेरी मच मैंग, एवरीवन लव्ड इट, कीप ग्रोइंग और अच्छे से ग्रो करो, फटाफट से सोरिंग मैनेजर बनो, सारी चीजें करो। और सोरिंग मैनेजर से मेरे को एक चीज आ रही, बड़ी देर से एक सोरिंग मैनेजर परेशान हो रहे कि भाई मेरे को बुलाओ, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे।